लेकिन हमारे यहाँ ममता दीदी हैं, बहन मायावती हैं, अखिलेश भाई हैं, राहुल भैया, जितने भाई बहन हैं आपके यहाँ पर, वो सब कह रहे थे सबूत दीजिए एयर स्ट्राइक का। देश के किसी भी नागरिक को सबूत मांगने का हक है, राजनीतिक दलों के नेताओं को भी सबूत मांगने का हक है, लेकिन सबूत मानना ही उनकी जिम्मेवारी भी है। इनका प्रॉब्लम है कि मांगते रहो लेकिन मानो कुछ नहीं। सबसे बड़ा सबूत पाकिस्तान खुद है जी। आप मुझे बताइए कि हमने तो कुछ डिक्लेयर नहीं किया था, हमारी जो स्ट्रेटेजी थी उसके हिसाब से तो सुबह हम मीटिंग करने वाले थे, मीटिंग करके कुछ योजना करने वाले थे, उस प्रकार से सारा प्लान किया हुआ था। जब 3:30 बजे सब पूरा हो गया, हमारे लोग लौट आए, वो अपना यूनिफॉर्म वगैरह उतार करके सब अपना चाय वाय कर रहे थे, तो बड़ा हंसी मजाक का काम चल रहा था जी। मुझे भी इन्फॉर्म कर दिया गया तो पहले मेरा मन कर गया कि चलो सो जाए, फिर मुझे हुआ नहीं यार देखें जरा इंटरनेशनल में कुछ हलचल तो नहीं है, तो मैं जरा ऑनलाइन जाकर के सारा सर्फिंग करने लगा कि दुनिया में कहीं पर इस घटना की खबरें आना शुरू हुआ तो नहीं है, तो घटना बहुत बड़ी थी। और उधर मेरे लोगों को मैंने कहा ठीक है आप सो जाइए, लोग थके हुए होंगे, सुबह बात करेंगे, लेकिन मैं नहीं सोया। 5:45 बजे पाकिस्तान ने ट्वीट किया कि भारत आकर के मार के चला गया। तो मैं फिर समझ गया कि मामला वो सिंपथी गेन करने के लिए कुछ कर रहे हैं, रोना शुरू कर दिया इन्होंने। मैंने फिर हमारे लोगों को इकट्ठा किया और मैंने कहा भाई तुरंत बैठना पड़ेगा, तो जब रात भर जगे थे लेकिन फिर भी इकट्ठे हुए, फिर परिस्थिति का मूल्यांकन किया, फिर आगे की रणनीति हम बनाते रहे। ये सही है कि पाकिस्तान ने बालाकोट के उस इलाके में जंगलों में कुछ मिसाइल गिराए निशान बनाने के लिए, ताकि दुनिया को बता सकें कि भारत का निशाना चूका। ये इस विषय के जो जानकार लोग हैं इन्होंने खोज के निकाला है कि, और जिसकी चर्चा पिछले 2-3 दिन से ज़्यादा हो रही है, इस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं उन्होंने, कि भाई अब उनके लिए मुसीबत थी कि भारत ने आकर के यहाँ किया है तो ये सिद्ध हो जाता था कि यहाँ टेररिस्ट कैंप था, क्योंकि इतने बड़ी पहाड़ी में, घने जंगल में एक अकेली इकलौती बिल्डिंग और जिसमें भी 600 लोगों की रेसिडेंशियल एकोमोडेशन, तो हर किसी को सवाल उठता कि क्या था। इसलिए इनके लिए इसको छुपाने के लिए कोई ना कोई रास्ते ढूंढने ही पड़ेंगे। पाकिस्तान के लिए दोनों तरफ से मौत है, ये भी कहें कि यहां कोई आया था, बम गिरा था, तो भी फंस रहे हैं। और वो इतने डर गए थे जी, वो गलतियां पर गलतियां चले, विमान उनका गिरा उन्होंने कह दिया हिंदुस्तान का गिरा, पायलट उनका मरा उन्होंने कह दिया हिंदुस्तान का मरा, यानी वो बिल्कुल ही बैलेंस खो चुके थे। और बैलेंस खोने का कारण था कि इतनी बड़ी घटना उनके लिए असंभव थी जी, और अभी भी उस सदमे में से बाहर नहीं आए। ये तो भारत में अगर चुनाव ना होते ना, अगर चुनाव ना होते और ये तूतू में ना होती और सामान्य दिवसों में घटना हुई होती, तो विश्व की जो महत्वपूर्ण मिलिट्री ऑपरेशंस हुए हैं इसकी उसमें गिनती होती जी। ये चुनाव के तूतू में भारत के वीरों के पराक्रम को हमने नजरअंदाज किया है, और इसलिए मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि चुनाव नतीजों के बाद शांति से इसके एक्सपर्ट हो, वो देश को समझाएं कि भारत के लोग कितने पराक्रमी हैं, कितना बढ़िया काम किया है। लेकिन जो विरोधी दल के नेता है वो भी काफी पराक्रमी है, कांग्रेस के नेता बीके हरिप्रसाद, उन्होंने कहा कि जो पुलवामा में हमला हुआ ये नरेंद्र मोदी और इमरान खान के बीच मिली भगत थी, ये मैच फिक्सिंग था। कहते भी दीवाने, सुनते भी दीवाने और सुनाने वाले भी दीवाने।
उनकी प्रॉब्लम ये नहीं है, उनकी प्रॉब्लम ये है कि अब पुलवामा के बाद जिस तरह से आपने एयर स्ट्राइक की, जिस तरह से सेना का पराक्रम हुआ, उसका मोदी को इलेक्शन में बड़ा फायदा हो रहा है। कभी भी मोदी, और इस बात को आप देख लीजिए, जो लोग मेरे निकट से मुझे जानते हैं उनको पता है, मैं चुनाव के लिए सरकार नहीं चलाता हूं, न ही मैं दल के लिए सरकार चलाता हूं, सरकार मैं सिर्फ और सिर्फ देश के लिए चलाता हूं। सरकार में मेरे सारे निर्णय देश के लिए होते हैं। हम ये नहीं कहते, हम कभी ये दावा नहीं करते कि हमसे कोई गलती नहीं होती है, हम भी इंसान हैं, हम में भी कमियां हैं, लेकिन हमारे इरादे नेक हैं। हम देश, हमारे लिए देश सुप्रीम है। अब भारत में कुछ भी करो जी, कुछ भी करो, किसी न किसी कोण में चुनाव होता ही होता है। अब मुझे बताइए, कल यूएन ने इतना बड़ा निर्णय किया, मैं हैरान हूं आज कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं कि चुनाव के समय अजहर मसूर का निर्णय यूएन ने क्यों किया। अब क्या इलेक्शन कमीशन नोटिस भेजेगा क्या? क्या यूएन की मीटिंग मोदी तय करता है क्या? अच्छा, मान लीजिए जो कहता है, इतनी ताकत मोदी की है, फिर तो ये देश में मोदी को ही सब कुछ देना चाहिए। अगर यूएन से जो चाहे वो मोदी करवा सकता है, यूएन में चाहे वो डेट तैयार करवा सकता है, यूएन के अंदर चार फेज के चुनाव के बाद फिर एक तय तारीख करके करता है ताकि तीन फेज में फायदा हो, ये सब मोदी कर सकता है, तो फिर 130 करोड़ देशवासियों के लिए मोदी के बढ़कर और कौन चाहिए? इसलिए इनको समझ ही नहीं है कि वो क्या बयान करे। उनके दिमाग में चुनाव इतना भरा है, यूएन निर्णय करे चुनाव। अभी यूएई ने उसके देश का एक सबसे बड़ा सम्मान मुझे दिया, उसमें भी उनको चुनाव दे दिया। अब रशिया ने एक बहुत बड़ा अवार्ड दे दिया, उसमें भी उनको चुनाव दे दिया। अब दुनिया के देश के लोग ये कोई हमारा चुनाव का टाइम टेबल या कोड ऑफ कंडक्ट पढ़ करके थोड़ा देश चलाते हैं जी।